धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें हम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हम इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन ए फैक्ट्री ऑफ प्रतीक एंड सन्स टू टाइप्स ऑफ रेडियोज आर मैन्युफैक्चर्ड विच पॉपुलर एंड डीलक्स मॉडल्स। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रेडियो एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। पॉपुलर एंड डीलक्स दो प्रकार के इसमें रेडियो के सेट बनाए जाते हैं, जिनका मटेरियल दिया हुआ है, दोनों का लेबर दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है वर्क्स ऑन कॉस्ट इज चार्ज्ड एट 80% ऑन लेबर एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट इज टेकन एट 15% ऑन वर्क कॉस्ट। पॉपुलर रेडियो सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर 234 एट रुपीज 1000 ईच एंड डीलक्स रेडियो सोल्ड आर 286 एट रुपीज 1100 ईच। एसर्टेन द टोटल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स फ्रॉम द एबव पार्टिकुलर्स इफ द वर्क्स एक्सपेंसेज आर रुपीज 87,000 एंड ऑफिस एक्सपेंसेज रुपीज 58,000। फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट मेड एंड प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकन्साइल द कॉस्ट प्रॉफिट विद द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल बुक्स। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे पॉपुलर और डीलक्स दोनों प्रकार के रेडियोज के लिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना होगा जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट शीट यहाँ पर है, पॉपुलर डीलक्स दो रेडियो हैं और यहाँ है टोटल रुपीज के कॉलम है। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर पार्टिकुलर शब्द लिख देना है। इस तरह से सबसे पहले मटेरियल की हम बात करेंगे। मटेरियल देखेंगे पॉपुलर का 81,900 एंड 1,08,680 डीलक्स का है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे और इनका जो टोटल है वो यहाँ लिख देंगे 19,580 यानी 1,90,580। इसके बाद इन दोनों का लेबर देखेंगे 46,800 और 62,920 46,800 और 62,920 और इन दोनों का टोटल 1,09,720 रुपये होगा। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट जो टोटल होगा वो तो ये होगा और ये अलग अलग करेंगे तो ये होगा। हमने टोटल क्यों लिया है, क्योंकि अभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमें इसके टोटल से ही वैल्यूएशन करना होगा और टोटल की हमें ज़रूरत होगी। अब नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो क्वेश्चन में ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का 80% है, तो आप देख रहे होंगे लेबर यहाँ पर 46,800 का है, 46,800 का 80% काटेंगे 37,440 ये रहा, इसका भी 80% काटेंगे 50,336 रुपये आएगा और इन दोनों टोटल यहाँ पर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड को घटाने के बाद वर्क कॉस्ट हमें मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट आपके सामने मौजूद है। इसके बाद नंबर आता है ऑफिस का। तो ऑफिस के बारे में यहाँ लिखा है कि कारखाना लागत का 15% है, तो कारखाना लागत आपके सामने है, वर्क कॉस्ट ही कारखाना लागत है 1,66,140, इसका 15% आप काटेंगे तो ये 24,921 रुपये 24,921 और इसी प्रकार से हम इसका 50,336 का भी 15% काटेंगे तो 33,290 यानी 33,290 और इनका टोटल आएगा 58,211 रुपये। इसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी खर्चा यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद इसका अगला स्टेप जो होगा वो सेलिंग प्राइस का होगा। जो पॉपुलर है वो तो 234 रेडियो 1,000 रुपये के रेट से और जो डीलक्स है वो 286 रेडियो 1,100 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं।
तो अगर हम पॉपुलर की बात करें, 234 के 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, 234,000 यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाईकेशन हम दूसरे वाले रेडियो की करते हैं 286 की 1100 से, तो इसका सेलिंग प्राइस 314,600 आएगा। अब 234,000 में से 191,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 42,939 यानी 42,939 होगा। और इसका डीलक्स का जो प्रॉफिट है वो होगा 59,374, इसको भी इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर 102,313 रुपये होता है। अब जबकि हमारे पास कॉस्ट शीट तो बन चुकी, अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ये परसेंट वाला है और जो ये खर्चा, जैसे यहाँ लेबर परसेंट में है, यानी कि इस प्रकार से परसेंट में है, ऑफिस एक्सपेंसेज भी परसेंट में है, तो ये परसेंट वाले तो कॉस्ट शीट में दिखाएंगे, और जो अमाउंट यहाँ लिखा होता है ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि भाई सर जो है ये परसेंट वाला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कि ये रुपए में जो लिखा है ये वाला, तो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और कौन सा कॉस्ट शीट में आएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये परसेंट वाले जब भी लिखे होते हैं तो इन्हीं को ही प्रॉफिट एंड उसमें कॉस्ट शीट में लिख के दिखाना होता है, और जो अमाउंट गिवन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख के दिखाते हैं। तो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कुछ और चीज़ें नहीं बदली हैं, सिर्फ यहाँ पर वर्क एक्सपेंसेज और ऑफिस एक्सपेंसेज दो ही चीज़ बदला हुआ है। बाकी इसका मतलब ये है कि जो इनका मटेरियल है यही रहेगा, जो लेबर है यही रहेगा, सिर्फ फैक्ट्री और ऑफिस ओवरहेड को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम सेल, जो सेल यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का जो टोटल ये वाला हिस्सा इसी को हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जो ऊपर मटेरियल मैंने आपको दिखाया टोटल, टोटल लेबर दिखाया, उन दोनों को आपको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है, यानी ये मटेरियल का टोटल और ये लेबर का टोटल, इन दोनों को यहाँ लिखेंगे मटेरियल और लेबर के नाम से। वर्क एक्सपेंसेज जो रुपीज में लिखा है यानी ये वाली रकम, और ऑफिस एक्सपेंसेज में ये वाली रकम, दोनों लिख देंगे। अब हम इसमें से इन चारों को घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट जो फाइनेंशियल बुक के हिसाब से प्राप्त होगा 103,300 रुपये होगा। अब ध्यान से देखें तो अब हम बनाने चल रहे हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हम कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट है ये वाला, इससे शुरू करेंगे और फाइनेंशियल वाले इस प्रॉफिट पर जाएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं किस प्रकार से वह भी आप देखेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मिलेगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट वही 102,313 रुपये। उसमें आपको जोड़ना क्या है, आपको जोड़ना है जो खर्चे यहाँ पर यानी कि कॉस्ट शीट में ऑफिस हो या वर्क एक्सपेंसेज हो या मटेरियल हो या लेबर हो, इन चार खर्चों को आपको यहाँ के खर्चों से कंपेयर करना है। अगर कॉस्ट शीट में वो फालतू नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा हैं, तो जितने रुपए ज़्यादा हैं उतने आपको ऐड करना है और जितने कम हैं उनको घटा देना है। तो अब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं मटेरियल का, तो ये मटेरियल और ये लेबर ये दोनों तो सेम हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का, तो ये 87,776 है और ये 87,000 है, इसका मतलब यहाँ पर 776 रुपये फालतू है। अगर 776 रुपये फालतू है तो यही 776 रुपये ओवर चार्ज हुआ है। हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेज ओवर चार्ज्ड, 87,776 में से 87,000 घटाएंगे 776 रुपये आएगा, इसे हम ऐड करेंगे। और ऑफिस ओवरहेड भी चेक कर लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है 58,211 और यहाँ 58,000, यानी कि 211 रुपये से ये भी फालतू है तो हम इसको भी जोड़ेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड भी ओवर चार्ज है, 58,211 में से 58,000 घटाएंगे 211, तो अब इन दोनों को हम इसमें जोड़ देंगे
कॉस्ट शीट वाले प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें हम ये ओवर चार्ज वालों को जोड़ेंगे जो कि कॉस्ट बुक में यानी कॉस्ट शीट में ज़्यादा लिखे गए थे। तो अब हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये वाला प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 1,03,300। तो हमें रिकॉन्सिलेशन में कॉस्ट शीट के मुताबिक यानी कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उससे हम रिकॉन्साइल करके फाइनेंशियल अकाउंट का ये प्रॉफिट निकालते हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ला के छोड़ना होता है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 6 रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया गया है इसको आपने बखूबी अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, अदर स्टूडेंट्स तक भी जरूर पहुंचाइए। आपकी डिमांड के मुताबिक हम आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।